राइट, तो हमारी आ गई है ओला बाइक और हम जा रहे हैं कच्ची के मेले में जो कि लगा है कच्ची नदी के किनारे। अंदर कार्तिक मेले में दिखाने वाले हैं और क्या खास है यहाँ पे। इस समय हमारे साथ हैं खाना खिलाना बाई एसम जिनका चैनल है और ये भी हमारे साथ है और यहाँ पे इस कार्तिक मेले में ये भी आई हुई हैं। तो कैसा लगा ये मेला आपको? बहुत अच्छा मेला है, हम लोग तो हमेशा से आते हुए बचपन से यहीं के रहने वाले। तो क्या खास रहता है आपके चैनल पे? हमारे पे सब खाना, तो इसीलिए आप यहाँ पे स्पेशली आए हैं क्रॉकरी के लिए? क्रॉकरी के लिए हम आए स्पेशली। यहाँ पे जितनी क्रॉकरी मिलती है सब बहुत अच्छी होती है, डिफरेंट होती है, सामान मिलता है। तो ये थी हमारी यूट्यूबर साथी जो कि यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। तो हम और देखते हैं इस कार्तिक मेले में और क्या खास है यहाँ। Thank you.
आज फिर से साइमा जी, जिनके साथ हमने मेट्रो का सफर अपना तय किया था। तो साइमा जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा मेला है यहाँ पर। क्रॉकरी स्पेशली हम लोग क्रॉकरी के लिए आते हैं। क्रॉकरी यहाँ की बहुत अच्छी होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती है, मिट्टी चीनी की, कांच की, सब बहुत अच्छी क्रॉकरी होती है। तो ये बताइए कि आपके साथ कौन कौन आया है यहाँ? मेरी मदर आई है यहाँ पर मेरे साथ। तो आपने क्या खरीद लिया, बताइए? हमने प्लेट्स वगैरह, डोमी, चाय के मग वगैरह, यही चीज़ें। तो ये बताइए कि आज बच्चे कहाँ हैं आपके साथ, जो इतने खूबसूरत बच्चे आपके? जी, थैंक यू सो मच। लेकिन बच्चे जो है, एक्चुअली इतना क्राउड रहता है कि यहाँ पर बड़ा डर लगता है बच्चों को लाने में, और बर्तन भी पकड़ने होते हैं, बर्तन भी ढेर सारे लेने होते हैं, इसलिए बच्चों को आज घर ही छोड़ा है। तो ये थी साइमा जी, जो कि हमारे साथ पिछले ब्लॉग में जुड़ चुकी हैं, और यहाँ पर इन्हें ढेर सारे बर्तन खरीदने हैं, तो इसलिए बच्चों को ये घर पर छोड़ के आई हुई हैं। तो चलिए और देखते हैं कि इनकी तरह और हमें कौन यहाँ पर मिलने वाला है। हमने आपको कराई कार्तिक मेले की सैर, जो कि गोमती नदी किनारे लगा हुआ है। तो इसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं कि और क्या यहाँ पे है खास। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए फिर से बाय बाय, सबक है।